1 hour later. Hello guys, good afternoon. It's BRJ. Welcome back to BRJ Vlogs. तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि आज का व्लॉग इतना लेट क्यों स्टार्ट हुआ, मैंने आगे ही टाइम दिखाया। तो गाइज फिर से आज मैं उठ गया था 6 बजे और वो जो क्लिप था छोटा सा वो सनराइज़ का था, वो मेरे बालकनी से दिखता है गाइज। तो उसके बाद मैं फ्रेश हो गया और गया अपनी जॉब पर। तो गाइज आज है सैटरडे, तो इस वजह से हमारा कैसा सीन होता है एकेडमी में, हम मैच डे रखते हैं गाइज। तो उसमें सभी जो भी प्लेयर्स आते हैं तो उनको हम मैचेस देते हैं और वो एंजॉय करते हैं, सिंगल्स डबल्स है। वो हम भी काफ़ी इंस्पायर होते हैं उन लोग को देख के गाइस, तो हमें भी बहुत मज़ा आता है और अच्छा लगता है। तो वैसे ही गाइस मैंने खुद ने भी डबल्स खेला, आपने देखा होगा आगे। और उसके बाद क्या हुआ, मैं गया सीधा मेरे भाई की स्कूल, क्योंकि हर सैटरडे असाइनमेंट सबमिट करना होता है और नया असाइनमेंट लेना होता है। तो मैं क्यों जाता हूँ गाइस, क्योंकि मेरा भाई अभी छोटा है तो उसे अलाउ नहीं करते स्कूल में कि आप असाइनमेंट ले जाओ, इसी वजह से मैं लेकर आता हूँ, क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ा हूँ गाइस। करते करते काफ़ी टाइम हो गया और फिलहाल अभी मैंने अच्छे से लंच किया, वो जस्ट मैं अभी जा ही रहा हूँ क्लास में अपने। तो जैसे कि आपने देखा गाइस 1:30 बज चुके हैं और मेरे क्लास का टाइम है 2 बजे तक। तो गाइस मुझे 2 बजे तक पहुँचना है वहाँ पर, इसलिए मैं अभी निकल ही रहा हूँ थोड़ी देर में बस। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ आपसे घर पर आने के बाद, और बने रहिए ब्लॉग के साथ। One eternity later. Hey guys, it's BRJ here. तो मैं अपना क्लास फिनिश करके घर पे आ चुका हूँ और अभी मेरा टाइम हो रहा है जॉब पर जाने का। वेट, आपको टाइम दिखाता हूँ गाइज। तो गाइज मैं जब भी क्लास से आया तो बहुत बारिश हो रही थी तो ब्लॉग नहीं कर पाया, और गाइज मेरे फ़ोन में बैटरी भी काफ़ी कम था तो इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पाया। तो गाइज अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ जॉब पर जाने के लिए, और गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज सैटरडे है। और मैंने जैसे कि आगे बताया, हम सभी हमारे जो भी एकेडमी में बच्चे प्लेयर्स जो भी हैं, हम उनको सैटरडे मैचेस देते हैं, क्योंकि गाइज प्रोग्रेशन भी तो ज़रूरी है ना गाइज। तो एक दिन तो हम रिज़ल्ट चेक करते हैं, मतलब कैसे वो लोग परफॉर्म करते हैं मैचेस के दौरान। तो यही कुछ सीन है गाइज। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ जॉब पर और मिलता हूँ आपसे घर पर आने के बाद। तो गाइज मेडिकल से घर आया मैं, उसके बाद फ्रेश हो गया, फ्रेश होने के बाद मैंने डिनर किया गाइज, और उसके बाद मैं गाइज आपसे बातें कर रहा हूँ अभी। तो यही कुछ सीन है गाइज, और मैं काफ़ी आज डिप्रेशन में हूँ गाइज, थोड़ा पर्सनल मैटर है, ज़्यादा मैं आपके साथ बात नहीं करूँगा। बट जब आपकी गलती ना हो और आपको सुनना पड़े वो भी किसी दूसरे की वजह से, तो गाइज तब दिमाग हट जाता है, लिटरली बहुत गुस्सा आता है। तो वही सीन आज मेरे साथ भी हुआ गाइज़। ऐसा ओवर 9000 वो गोकू वाला सीरीज़ देखा है ना गाइज, ड्रैगन बॉल जी, कौन कौन फ़ैन है गाइज प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो वैसा ही सीन है, आज काफ़ी गुस्से में हूँ गाइज। 20 minutes later. तो गाइज़ थोड़ा गुस्सा शांत हो गया मम्मी जी से बात करके, और गाइज़ मैं संडे के लिए काफ़ी हैप्पी हूँ क्योंकि कल है संडे और कुछ तो इंटरेस्टिंग आने वाला है, तो वो मैं दिखाऊँगा आपको कल के व्लॉग में। A few moments later. तो गाइज मैंने मम्मी जी से बात की, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे समझाया कि बेटा लाइफ है, ये सब चलता रहेगा तो ज़्यादा फोकस नहीं देना चाहिए। तो मतलब पूरा मैटर तो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकता, बट था कुछ प्रॉब्लम गाइज, तो अभी सॉल्व तो नहीं कह सकते बट एज सेटिस्फेक्शन हो गया गाइज कि चलिए गाइज छोड़ो ये सब होता रहता है। तो सीन क्या है गाइज कि मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही डिवाइस है जिससे मेरा एडिटिंग वर्क, मेरा यूट्यूब एंड और क्या मेरा ट्यूशन क्लास, बट अभी तो ऑनलाइन नहीं है बट फिर भी, और मेरा डेटा का वर्क है, तो स्टोरेज का भी थोड़ा सा इश्यू आ जाता है गाइस। तो इसी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और मैं और एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व आज से हो चुका हूँ गाइस, तो उसका भी मैं आपको जल्दी ही रिव्यू दूँगा जिस एक्टिविटी में मैं आजकल इन्वॉल्व हूँ, और उसी की वजह से मतलब थोड़ा कुछ सीखने को मिलता है गाइस। तो उसी वजह से मैं उसमें अभी टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा, एंड और वैसे भी गाइस अभी मानसून सीज़न चल रहा है तो थोड़ा नरम गरम चलता रहता है गाइस बिजनेस एंड ऑल जॉब्स में, तो यही कुछ है। तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अपने फ्यूचर के लिए एक और स्टेप आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मैंने देखा है गाइस इतनी महंगाई बहुत बढ़ रही है गाइस, और फ्यूचर में अगर आपको अच्छे से मतलब रहना है, खाना पीना है,
अभी जो लाइफ है आपकी उसे मेंटेन रखना है गाइस, तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बिल्ड करना ज़रूरी है। मैं दातार का शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे इतनी कम उम्र में इतना नॉलेज दिया। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि मेरे नेक्स्ट ब्लॉग की सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच जाएँ। तो गुड नाइट गाइस, इट्स बाय फ्रॉम बी आर जे। गुड बाय।